यहाँ झंडा गाड़ आए करके जुगाड़, वहाँ पैंट गीली कर आते शेर की दहाड़। जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। हाय हाय। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे शैलेश लोढ़ा। भाई, दुनिया में लोग कहते हैं कि तलवार की ताकत बड़ी होती है, लोग कहते हैं कि बंदूक की ताकत बड़ी होती है, लोग कहते हैं कि परमाणु बम की ताकत सबसे बड़ी होती है, लेकिन मुझे लगता है और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी ताकत अल्फाज की होती है, शब्दों की होती है, गजल की होती है, कविता की होती है। क्योंकि कविता जो बात दो पंक्तियों में कह देती है, दोहा जो बात दो पंक्तियों में कहता है, छंद जो कह देता है, गजल जो कह देती है, एक शेर जो कह देता है, वो हम सारी सारी उम्र नहीं कह पाते। इसलिए आइए वहां भाई भाग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो चलो प्रेजेंट वाह भाई वाह, मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, हमारे सामने हमारे तीन मेहमान बैठे हैं और बड़े कमाल के हैं तीनों ही मेहमान। और एक बड़ी कमाल की बात है, जो मंच के इधर बैठे हैं कोने में, जो बड़ा यूं है ना धीमा धीमा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे एक नेता अपने भावी वोटर को देख के मुस्कुराता है। ये तो मुझे देखा, वेशभूषा भी बिल्कुल नेता जैसी है। नेता जी के पास में जो है वो उनके जो अधिकारी होते हैं वो बैठे हुए हैं, टोपी वोपी लगा के इन्हें समझाते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और नेता जी के पास वो सेक्रेटरी बैठी हुई है जो इशारों इशारों में बता देती है कि नेता जी अब आप बोलें अब आप ना बोलें। तो इधर जो नेता जी बैठे हैं इनका नाम महेश दुबे है, इधर जो सेक्रेटरी के रूप में मैंने कहा वो मणिका दुबे है। दोनों तरफ दुबे हैं और बीच में जो दबे हैं, मतलब ये दबे नहीं है, दोनों तरफ दुबे हैं और ये डूबे हैं, नहीं ये डूबे भी नहीं है, दोनों तरफ दुबे हैं और इनके गीत में देश के नौजवान डूबे हैं। ये हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जिनके गीतों को जब आप सुनते हैं तो उनका जादू उनका नशा सर चढ़ के बोलता है। आप देखिए इस उम्र में भी क्या कमाल लिख रहे हैं आप डॉक्टर विष्णु सक्सेना। डॉक्टर विष्णु सक्सेना के पास महेश दुबे हैं, महेश दुबे बनारस के हैं, महेश दुबे मूलतः व्यापारी हैं लेकिन आत्मा से कवि हैं और अद्भुत हास्य कवि हैं, उतने ही सहज हास्य कवि हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर महेश बड़े पसंद है क्योंकि महेश बड़ा सहजता से अपनी बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इधर पत्नी से भी ऐसे ही बात करते हैं। ये आदमी की बड़ी कारीगरी है, ये कलाकार आदमी है और इनकी कलाकारी हम थोड़ी देर में यहाँ पे देखेंगे। मणिका मंच पे बिल्कुल नई है और एक नई बयार नई हवा लेके आई है, लेकिन नई हवाएं जब आती हैं तो वो बहारों को पुष्ट करती हैं, वो बहारों को मजबूत करती हैं और बहारों के अंदर और खुशबुएं पैदा करती हैं। मणिका दुबे कविता की नई बयार है जो जबलपुर से हमारे बीच में आई है। मैं स्वागत करता हूँ मणिका आपका इस मंच में, मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना का, मैं स्वागत करता हूँ महेश दुबे का। तो आइए महफिल का प्रारंभ किया जाए। कहाँ से किया जाए, बस मैं इस उधड़बुन में हूँ, मैं इस ऊहापोह में हूँ कि मैं किसे बुलाऊं, लेकिन मैं ऊहापोह में हूँ, लेकिन वो आदमी जो टोह में है जिसकी आंखें हर वक्त टोह में लगी रहती है कि किधर क्या ढूंढूं, उनका नाम होता है महेश दुबे। भाई क्या बात है महेश, आप वहाँ बैठे क्यों रह रहे हैं, आप यहाँ आइए और हम सबको कुछ ऐसा सुनाइए कि पूरा देश आपके लिए तालियां बजाए। भारी ऊहापोह और टोह के बाद शैलेश जी ने खोह में हाथ डाल के जो शानदार नगीना निकाला है वो मैं हूँ। कोरोना काल के बाद जितने भी बचे खुचे लोग हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, अच्छा आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए, और कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। बच्चे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। कोरोना काल की जो घटनाएं हुई उस पर एक छंद दे रहा हूँ। हाँ। आदमी सामान लेने जाता था, पुलिस के डंडे खा के कुछ नोट पानी दे के लौट आता था। अंडाला ने जो गया था डंडा खा के लौट आया, अच्छा हाथ को झटक बोला अंडा जाए भाड़ में। इससे तो होता अच्छा पहन केवल कच्छा, धुनी ही रमाता जाके जंगल पहाड़ में। बीवी ने जुबान खोली बोली करो ना ठिठोली,
जानती हूँ शक्ति कितनी तुम्हारे हाड़ में, यहाँ झंडा गाड़ आए कर के जुगाड़, वहाँ पैंट गीली कर आते शेर की दहाड़ में। कविता आपको दे रहा हूँ, सुनिए, अच्छी लगेगी। एक सेठ जी मरणासन्न थे, अर्थात प्राण छोड़ रहे थे, और उनके चार बेटे सिरहाने खड़े होकर 13वीं के खर्च का हिसाब जोड़ रहे थे। बड़ा बेटा बोला, भैया एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, कम खर्च में काम पड़ जाएगा, नहीं तो शव यात्रा निकालने के चक्कर में तो आधा बैंक बैलेंस निपट जाएगा। तो दूसरे बेटे ने शुरू की चर्चा, एम्बुलेंस बुलाने में तो है 800 का खर्चा, इतने खर्च की बात अगर बापू सुन पावेगा, माँ कसम मरने के पहले ही मर जावेगा। इसीलिए एम्बुलेंस के चक्कर में मत रखड़ो, मेरी मानो तो टैक्सी पकड़ो। तीसरे बेटे ने कहा, हम और आसान रास्ता बताते हैं, आप दोनों बापू को ऑटो रिक्शा में लोड करके स्मशान की ओर बढ़ो, हम दो भाई बस पकड़ के आते हैं। चौथे बेटे ने कहा, आप तीनों को तो पैसे लुटाने की पड़ी है, जरा आंख खोल के देखो, सामने एक हाथ गाड़ी खड़ी। अरे, जहां तक मेरी रिसर्च है, बापू को स्मशान पहुंचाने में 20 रुपए का ही खर्च है। अब बापू जी ने नेत्र खोले और कराहते हुए बोले, जैसे ये फिक्स हुआ कि 20 रुपया खर्चा होगा, बापू जी कोमा के बाहर आ गए। अब बापू जी ने नेत्र खोले और कराहते हुए बोले, नालायकों दुखदायकों, मैं जीवन भर एक एक पैसा दांतों से पकड़ कर जिया, और मैं मरा भी नहीं, तुम लोगों ने लुटाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। अरे पैसे बचाने के मामले में मैं आज भी तुम चारों के मुंह पे कालिख मलता हूँ, मेरी टोपी और छड़ी लाओ, मैं खुद धीरे धीरे स्मशान की ओर चलता हूँ। महेश्वर, आपने बड़े तंजिया और मजाया अंदाज में ये जो बात कही है, सचमुच पैसे बचाना बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी में बचने भी चाहिए, पैसे की कीमत होती है, लेकिन उससे बड़ी कीमत शायद उन बुज़ुर्गों की होती है। तब मुझे मेरी ही कविता की एक पंक्ति याद आती है, और कहता हूँ कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुज़ुर्ग ना होना तो घर घर नहीं रहता। हालांकि आपने महेश दुबे और विष्णु सक्सेना को तो बहुत बार सुना होगा, मणिका को सुना नहीं है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूँ कि जब आप मणिका को सुनेंगे तो उसकी गज़लें, उसके गीत आपके दिलों में एक ऐसी हलचल मचा देंगे कि आप कहेंगे, भाई वाह शैलेश भाई, इन्हें फिर से बुलाइए, बार बार बुलाइए। लेकिन फिर से बुलाने और बार बार बुलाने के पहले एक बड़ा छोटी सी तकनीकी प्रक्रिया होती है कि उन्हें पहली बार बुलाना पड़ता है। तो पहली बार टेलीविजन पर आ रही है मणिका दुबे। उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर हमें प्रेम ज़रूर होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, वो झूठ कहते हैं। एक गज़ल पेश कर रही हूँ आप सभी के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इरशाद सुना। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। चलो गुस्सा नहीं होगा। क्या बात है, यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। परेशान परेशान हो भी सकता है, मतलब तन्हा नहीं होगा। वाह वाह। और अगला शेर सुनिए। क्या बात है,
गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए। तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए। हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। तुम्हारे बिन जिया जाए, तुम्हारे बिन गुजर जाए, हमारे जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। महसूस कीजिए शेरों को। क्या बात है, वाह। सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। पूरा आए, आए, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। और इस गजल का अंतिम शेर है, इस पर भी मैं आपकी दाद चाहूंगी। इसके बाद फिर अपना कभी मिलना आए, हाए, आए, हाए। अब इसके बाद फिर अपना कभी मिलना नहीं होगा, मिलना नहीं होगा। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं हो। क्या बात है, वाह। मैं इस कदर डूब गया तुम्हें सुनते हुए, अब मैं ही क्या, सारा देश मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें सुनते हुए डूब गया होगा। यही प्यार की ताकत है, यही प्रेम की ताकत है। जब हम डूब जाते हैं तो वो इसमें से उबरना नहीं चाहते। वही एक जगह है जहां आदमी डूबना चाहता है और वापस बाहर भी नहीं आना चाहता। मणिका दुबे जैसे नए रचनाकार जो प्रेम में डूबे इतने खूबसूरत गीत लिखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी का कोई गीतकार या प्रेम करने वाला कोई भी युवा या युवती ऐसी नहीं होगी जिसने कभी प्रेम में डूबे हुए क्षणों में डॉक्टर विष्णु सक्सेना को गुनगुनाया नहीं होगा। तो आइए हम और आप इस लोभ को संवरण नहीं कर पा रहे हैं और हम क्यों वंचित रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जब यहाँ खुद मौजूद हैं तो आए जरा कुछ ऐसा सुनाए कि हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। अच्छा, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आए हाय, आए हाय। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। क्या बात, टूट जाऊंगा बिखरने के बचाले मुझको। हाय हाय, वाह डॉक्टर वाह। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। हाय हाय, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया। क्या बात, अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। चांदनी रात में, हाय हाय, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। हाय हाय, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें।
तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम मगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, क्या बात है, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, कसम तोड़ दे। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ दो अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा, एक है अंक हम, आहा क्या बात है डॉक्टर, एक हो अंक तुम, आहा एक अंक है हम एक अंक हो तुम, एक है अंक हम एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, हाय हाय, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। गीत की अंतिम पंक्तियां, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, क्या बात डॉक्टर, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदि करें, क्या बात है, फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे, क्या बात है, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आपके इस गीत के बाद मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन कहा नहीं जा रहा, मैं इस कदर प्रेम में डूब गया हूँ, पहले मणिका का गीत, उसके पहले महेश दुबे का जो पिताजी थे उनका पैसों से प्रेम, उसके बाद तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा, लेकिन जाते जाते कहानी थोड़ी इल्मी है, एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे और हमारे ये कवि मित्र जो है उसमें से कुछ ढूंढ के लेके आएंगे, तो हम देखते हैं कहानी थोड़ी इल्मी है। ये दृश्य है, प्रीति गांगुली जी ये अभिनेत्री बड़ी कमाल की थी, अरे बाप रे कुर्सी तो टूट देने वाली है, टेबल लाई गई है, ओ तेरी की। अब इस दृश्य को देख के कुछ याद आता है, अब प्रेम जगता है कि नहीं विष्णु सक्सेना, मुझे मालूम था महेश दुबे का प्रेम ही जगेगा, बोलो महेश।
क्या लगता है सर? एक्चुअली ये डिपार्टमेंट ही मेरा है। ये तो कुछ भी नहीं है सर, एक राष्ट्रीय आपदा मेरे घर पे पड़ी हुई है। बहुत अच्छे, नेशनल डिजास्टर। मुझे शैलेश जी ने कहा कि घरवाली को भी ले आना, अच्छा सामने बैठ के एंजॉय कर लेगी। मैंने कहा सर आपने भी तक वो दागीना देखा नहीं है। दागीना? चार पंक्तियां दे रहा हूं। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज आ नहीं सकता। आए, आए। वही कमाल है, यही इस महफिल की खासियत है। हंसी से हमने शुरू की और हंसी और ठहाकों के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, और बीच में प्रेम के पगे हुए ऐसे दो गीतकार, एक मणिका एक विष्णु, और महेश ने जो शुरुआत की अद्भुत थी। जिंदगी में यही होना चाहिए, हर चीज से प्रेम होना चाहिए, हर शय से प्रेम होना चाहिए। और आज की इस महफिल में शिरकत करने के बाद जो लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या महसूस होता होगा। मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं जो मैं जाते आते कहता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता है। मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचता हूँ कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। वाह भाई वाह, आइए।